अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पुदीने पुदीने की चटनी और इमली की चटनी। तो हमने इमली की चटनी के लिए पाव सेर इमली ली है, जिसे हमने गर्म पानी डाल के सिर्फ 1 घंटा भिगा कर रख दिया था। तो हमने पाव सेर इमली के हिसाब से हमें 1/2 किलो गुड़ लगेगा, और उसमें डालने के लिए हमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला लगेगा हमें, और 1.5 टेबल स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्ची लगेगी हमें, और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम। जब चटनी औटेंगे तब हम इसमें पानी मिक्स करके कॉर्नफ्लावर डालेंगे। और तंदूरी कलर ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। हम औटते वक्त तंदूरी कलर डालेंगे अगर हमें लगेगा तो, हम इसमें तंदूरी कलर थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे। और पुदीने की चटनी के लिए हमें चाहिए, हमने 5 कप हरा पुदीना लिया है, जिसके हमने सिर्फ पत्ते तोड़े हैं इस तरह से, इसकी डंडी नहीं डालना है हमें ज़्यादा, तो हमने इस तरह से इसके पत्ते तोड़ दिए हैं। और कोथमीर हमने 2 कप लगेगी, तो हमने 5 कप पुदीने के हिसाब से 2 कप हरा धनिया लगेगा हमें, और 10 से 12 हमने 8-10 हरी मिर्चियाँ हैं ली है, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और 2 नींबू का रस लगेगा, और हमने लहसुन की पत्ती ली है, अगर आपके पास ये ना हो तो भी चलेगा, और 10 से 12 हमें लहसुन की कलियाँ लगेंगे, और हरी प्याज हमने प्याज के साथ 2 से 3 लिया है, और 1 पूरी प्याज हमने ली है। तो इन सबको हम एक जार में डाल के इसे बारीक पीस लेंगे, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और लाल चटनी के लिए हमें लगेगा, हम 3 किस्म की चटनियाँ बना रहे हैं, तो लाल चटनी के लिए हमें हमने 10-12 लाल मिर्ची ली है, 1 नींबू, तो हमें जितना लगेगा हम उतना ही रस डालेंगे इसमें, और 8-10 लहसुन के कलियाँ, और थोड़े सी पिसते वक्त हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पिसी हुई मिलाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की लाल ताज़ी फ्रेश मिर्ची नहीं है तो आप सूखी हुई लाल मिर्ची को भी बॉईल करके इसकी चटनी बना सकते हैं, या फिर पिसा हुआ इस तरह का लाल मिर्ची पाउडर को भी लहसुन और नींबू का रस नमक डाल के आप लाल चटनी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हरी चटनी बनाएंगे। तो एक जार में हम ये हरा धनिया और कोथमीर वो सब डाल देंगे, ये हरी मिर्ची प्याज भी डाल दी हमने, ये हरी मिर्ची भी डाल देंगे हम इसमें, और ये लहसुन इस तरह से, ये पूरा लहसुन भी डाल देंगे, और इसमें अपन नींबू का रस डाल के नमक पेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम, हमें जितना लगेगा नमक हम 1 टीस्पून उतना डाले हमने नमक, और फिर इसमें नींबू का रस इसी में डाल के हमें पीसना है। याद रखिए कभी भी चटनी चपटी से आप तो इसमें नींबू सब एक साथ ही, नींबू भी नींबू का रस भी इसमें एक साथ ही डाल दें, तो इससे चटनी का कलर हरा और ग्रीन फ्रेश रहता है, काला नहीं पड़ता, पुदीने की वजह से कलर काला हो जाता है, तो इसमें साथ में ही नींबू डालने से पुदीने का कलर हरा ही रहता है, इसलिए कभी भी आप चटनी बनाएं तो नींबू भी साथ में डालें, पिसे बाद नहीं डालना, इसे साथ में ही डाल देना। तो चलिए अब हम इसमें दूसरा नींबू भी डाल देंगे। तो चलिए इसको हम पीस लेंगे, इसी तरह हम लाल मिर्ची की चटनी को भी एक जार में डाल के पीस लेंगे। ये पुदीने की और कोथमीर की जो हरे धनिए की हरी चटनी जो थी, तो ये हमने पीस लिया है, इसको इस तरह से बारीक पेस्ट कर लिया है। अब चलिए अब हम इमली की चटनी बनाएंगे। ये इमली का रस हमने अच्छे से निकाल के इस तरह से इसे छान लिया है छन्नी की मदद से। अब इसमें हम ये गुड़ डाल लेंगे, हम गुड़ चखकर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हमने 1/2 किलो लिया है गुड़, अगर हमें लगेगा तो ही हम पूरा डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा गुड़ डाल के देखेंगे, इसके बाद हम फिर बाद में हम हमें लगेगा चटनी खट्टी है तो फिर हम और डालेंगे। अभी हमने थोड़ा सा गुड़ बचा लिया है, इतना और डाल देंगे हम, फिर बाद में इसमें हम
एक के बाद एक चीज़ डालेंगे। मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला हम थोड़ा गुड़ घुलने के बाद डालेंगे। ये चटनी हमारी आधे घंटे से अच्छे से ऑट रही थी तो पूरा गुड़ घुल गया। हमने इसे छान लिया था छन्नी से, बाद में एक बार और छाना हमने इस तरह, टोटल दो बार छाना हमने इसे, ताकि गुड़ में जो भी चीज़ है वो सब छन्नी से अच्छे से छान लिया हमने। तो ये हम ये चाट मसाले को इस तरह से हमने पानी डाल के इसे मिक्स कर दिया है। अब ये इसमें डाल देंगे, तरह से हम इसमें पूरा चाट मसाला डाल देंगे। फिर उसके बाद ये जीरे की बुकनी जो हमने रखी थी वो भी डाल देंगे। फिर ये मिर्ची, मिर्ची जो रखी थी ये भी हम इसमें, इसको अच्छे से घोल के डाल देंगे हम इसे मिक्स करके अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स करके इसमें डाल देंगे। मिर्ची घुलने तक इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आखिर में कॉर्नफ्लावर में पानी मिक्स करके कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। मिर्ची को अच्छे से मिक्स होने देंगे और हमने जितना गुड़ रखा था उतना पूरा डाल दिया। हमें पूरा टोटल आधा किलो गुड़ लगा, हमने पूरा गुड़ डाल दिया था इसमें, बाद में जो बचाया था वो भी डाल दिया, तो टोटल पूरा गुड़ हमें लगा। आप चाहे तो आप खजूर भी डाल सकते हैं इसमें, पेन खजूर जो आते हैं, तो पेन खजूर से और टेस्टी बनती है चटनी। तो अगर आपके पास पेन खजूर है तो आप पेन खजूर याद से डालें इसमें। पेन खजूर को आप पहले बॉईल कर ले, उसका गुठली निकाल के फिर उसे मिक्सर में पीस के बाद में इमली के, जिस तरह हमने इमली का पानी को छान कर निकाला है इस तरह से उसे बाद में आखिर में बॉईल होते वक्त खजूर, पिसे हुए खजूर को मिक्स कर दें। ये लाल मिर्ची जो रखी थी हमने, उसमें लहसुन, नमक और नींबू का रस डाल के हमने इस तरह से बारीक पीस लिया है। थोड़ी सी हमने इसमें एक टेबल स्पून उतनी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी। तो ये लाल मिर्ची भी तैयार हो चुकी है अब हमारी, बस इमली की चटनी जिसमें हम अभी कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो चलिए अब इमली की चटनी में कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये अच्छे से बॉयल हो रही है, अब इसमें हम ये जो कॉर्नफ्लावर रखा था इसे डाल देंगे और जल्दी जल्दी से इस तरह से। कॉर्नफ्लावर डालने से चटनी अच्छी शाइनिंग, चटनी में एक शाइनिंग आ जाती है और इससे चटनी अच्छी गाढ़ी हो जाती है। कभी भी याद रखें, आप चटनी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा आधा या एक टेबल स्पून ना, आप जितने इमली का बना रहे हैं उसके हिसाब से आप, हमने ये एक आधा पाव सिर इमली के हिसाब से हमने इसमें एक से डेढ़ टेबल स्पून उतना हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। अब आपके हिसाब से अगर कम बना रहे तो आप एक टीस्पून डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी चटनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। चलिए अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए बहनों, हमारी ये तीनों चटनियाँ तैयार हैं, इमली की चटनी, लाल मिर्ची की चटनी और ग्रीन चटनी पुदीने की। आप इसे पानी पूरी, दही पापड़ी या रगड़ा पेटिस, लखनवी चाट या भेल, कोई भी चटपटी चीज़ पे आप ये तीनों चटनियाँ डाल के खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।